एक लड़की है सौम्या पोखरा जो नेपाल की है और ये वीडियो में बोल रही है कि मैं पवन सिंह कौन है मैं नहीं जानती। कौन नहीं जानता है पवन सिंह की साड़ी को? तुमको पता है कि किसके बारे में बोल रही है? पवन सिंह को नहीं जानते। अब तुमको कौन जानता है बेटा, तनी बता देना। तुमको कौन जानता है? अभी चार गो लोग जानने लगा तो तुम बड़ा स्टार बन गई अपने आप। मेहनत करके आगे बढ़ती तो एक बात रहता कि चलो हाँ अरे ये वो, लेकिन तुम तो मेहनत कुछ की नहीं, आगे बढ़ गई। पवन सिंह को नहीं जानते, मन तो कर रहा है कुछ दिन के बाद बोलेगी खेसारी जी को नहीं पहचानते। अगर खेसारी जी आप काम कर देना तुमको छोड़ देना, तुम भी बोलेगी कि नहीं जानते। ऐसा थोड़े है, जो पवन सिंह को नहीं जान सकता किसी को जान सकता, वो पावर स्टार है। बताओ इतना सा कलाकार है, वो लोग तो एकदम स्टार ही है समझो, तो बहुत बड़ा स्टार है। और भोजपुरी में दो ही स्टार है, पवन जी और खेसारी, और के लिए रहुआ जी, ये लोगों को कौन नहीं पहचानता है? मतलब अभी जो हम लोग जिनके ज्यादा मूवी देखते हैं, जिनका ज्यादा गाना सुनते हैं, वो दो लोग हैं, दो लोग हम लोग जिनका हम लोग भी फैन है। तो आप बताइए, वो बोल रही है पवन सिंह को नहीं जानते, मन तो कर रहा है ना कि अगर सामने रहती ना तो बता देते कि पवन जी कौन है और खेसारी जी कौन है। ऐसे नहीं काम करना चाहिए ना बाबू। अगर कलाकार हो तो सबको देखो, सबको देखो, वो छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, सबको तुम जानती हो। आज ज्यादा नखरा मत करो, हम पवन सिंह को नहीं जानते, तुम खेसारी को नहीं जानते, नहीं तो हमारे बिहार में हो, समझ लेना। बिहारी किसी को नहीं छोड़ता है, तो तुमको कैसे छोड़ देगा? भले एक होता है जो किसी किसी का फैन होता है, कोई पवन जी का फैन होता है, कोई खेसारी जी का फैन होता है, कोई निरहुआ जी का फैन होता है। ये बोल देती कि जी नहीं मैं खेसारी जी को जानती हूँ, खेसारी जी का फैन हूँ, हम उसके अलावा हम नहीं ये कर सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते। पवन जी को नहीं पहचानते, नहीं पहचानती है तो अपने माँ का कसम खा के बोल दे तो नहीं पहचानती है तू। दोबारा ऐसा गलती मत करना, नहीं तो एक लड़की के प्रति एक लड़की जवाब दे रही है, सुन लो, सिर्फ उसी को दे रही है, वही लड़की को। इसीलिए मेरे को रहा नहीं गया, मैं गाड़ी में अभी हूँ, मैं शो पे जा रही हूँ, फिर भी मैं उसका वीडियो देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगा तो और अजीब लगा कि एक तो मेहनत करके तुम आगे बढ़ी नहीं हो कि तुम अपना आपको इतना बड़ा स्टार समझने लगी हो। तुमको ना बस खेसारी जी का हाथ है सर पे, इसीलिए बस, और कुछ नहीं हो। अब एक बात बोलती ना, जो क्या बोलते ना, हम खेसारी जी का फैन है या किसी का फैन है, हम किसी के बारे में नहीं बोल तो सकते ऐसा भी तो। लेकिन ये बोली हम पवन जी को नहीं, कौन है खेसारी जी को नहीं पहचानते, तो कुछ दिन के बोले खेसारी को नहीं पहचानते, ये कौन सी बात? कभी काम तुम्हें ना दे खेसारी जी तो क्या बोलेंगे? उसी की गाना पे टिकटॉक वीडियो बनाई है 6 महीना पहले, तुम देख लो अपना इतिहास। पवन जी का ही गाना पे वीडियो बनाई है बेटा, और तुम्हारे वीडियो हम मेंशन कर देंगे कि पवन जी के गाना पे है कि नहीं तुम्हारा वीडियो, तो उसको कैसे नहीं जाने की वीडियो बना ले। तो दोबारा ये बात मत बोलना ठीक है, खास करके तुम्हें ही बोल रहे इस चीज को। और जिस दिन खेसारी जी तुम्हारा हाथ सर पे से हटा लेंगे ना, उस दिन बोलना कि खेसारी जी को नहीं जान। हम भी फैन है किसी का, मेरे जितने भी फैन है, ये बताइए आप लोग क्या बोलते हैं खेसारी जी, पवन जी, निरहुआ जी, और भी सारे इंडस्ट्री में लोग हैं, मनोज, बड़े बड़े स्टार लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी को पैदा किया। अब उनको तो बोल देंगे कि नहीं जानते हैं, ऐसा बोलेगा कोई? सब लोग जानता है उन लोग। अब भोजपुरी में आके भोजपुरी को करिए, मैं इसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता। हमने जान जाओगी कुछ दिन के बाद, रुको, जानने लगोगे जब जाती है जो बिहार बिहारी एक सौ पे भारी होता है, तो जान जाओगी कुछ दिन के बाद क्या होता है। दोबारा मत बोलना बाबू, ठीक है? प्यार से समझा रहे, नहीं तो इससे भी बढ़िया जवाब देने आता है हम लोग को, ठीक है? क्योंकि बेटा कलाकार हो, कलाकार खेसारी पवन जी के बारे में हम लोग कुछ गलत नहीं सुन सकते, और कोई भी बोले
ऐसे कोई कलाकार के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है उतना। हाँ, ये अपना ये काम करो, तुम्हें काम मिल रहा, अच्छा काम करो। किसी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को लेके मत बोलो, विवाद में आते आते विवाद करने लगी। अभी कुछ दिन हुआ ही नहीं, एक एल्बम में की है, इतना बापरे उड़ रहे हैं हवा में। मत उड़ो बेटा, अगर ये तुम्हारे तक वीडियो ये जाए ना तो बाबू समझ जाना कि इसके बाद किसी भोजपुरी कलाकार के बारे में कुछ गलत मत बोलना। नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं पहचानते, अगर नहीं पहचान, कौन है जो नहीं पहचानता है, सब लोग पहचानता, तो ये मत बोलो जो नहीं पहचानते, भले तू फैन है जिसका भी है ये क्या, लेकिन ये मत बोलना नहीं। हम लोग फैन नहीं है, हम लोग भी तो फैन है, हम लोग किसी को बताने गए हैं कि नहीं हम ये वे, हम उसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते। दोबारा मत बोलना ठीक है, इसीलिए तो सबको बता रहे हैं कि उनको मतलब उनके लिए ही, खास करके उसी लड़की के लिए हम लाइव आए हैं और किसी के लिए नहीं, और कोई अपने ऊपर नहीं रहा। बस दोबारा ये चीज मत बोलना कि हम खेसारी जी को नहीं जानते और पवन जी को नहीं जानते, ठीक है? नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार है तुम लोग, खास करके तुमसे। थैंक यू। तो सब फैन लोग देखिए, अभी हम गाड़ी में हैं और मुझे रहा नहीं गया सुबह से, मैं जब से वीडियो देखी हूँ ना मेरा एकदम, मैं तो हम विवाद में रहते नहीं हैं, मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बोलना, लेकिन पवन जी और खेसारी जी के बारे में कोई बोलेगा तो मुझे रहा भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम खुद फैन है उन लग का। तो बताइए कितना अजीब लग रहा है सुन के, इस वजह से भोजपुरी तो वो स्टार है, वो लोग क्या बोलते भोजपुरी सॉन्ग को, अच्छा अच्छा हम भोजपुरी का ये करते हैं, हमारे आगे बढ़ाते हैं, करेगा तो हम जो इतने बड़े कलाकार हैं उनके बारे में अगर बुराई करेंगे तो फिर ये हम लोग जो छोटे हैं उनका क्या होगा, तो हम लोग तो कोई भी है। तो हम लोग का तो कोई भी बुराई करने लगेगा, हम लोग जो छोटे हैं, तो पहले देख लो कि कौन क्या है, आई हो तो समझ लो बिहार में कि कौन क्या है, उसके बाद कोई काम करो और कोई कदम उठाओ, ठीक है? तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम, और मैं चलती हूँ, और उसको जवाब मेंशन जरूर कीजिएगा उस लड़की को। हाँ, ये लाइव मेंशन, हाँ, सिर्फ उसी लड़की के लिए है जवाब, कि दोबारा ना बोले ऐसा कि मैं रवि किशन जी को नहीं जानती, मनोज तिवारी को नहीं जानती, और निरहुआ जी को नहीं जानती, पवन जी को नहीं जानती, खेसारी जी को नहीं जानती, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी तो इस बार देख लेना क्या हमारा जवाब आएगा। मत बोलना किसी के बारे में, हम भी भोजपुरी के बिहारी की है। और नेपाली बंगाली के चक्कर में हम नहीं रहते, तो ये इस चीज को मेंशन कीजिएगा हमारे जितने भी फैन है, और उस लड़की को जरूर सुनने के लिए मिलेगा, अगर उसका ये होगा जवाब आएगा तो मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा कि उसको, ताकि मैं जवाब दे सकूं। तो बाय बाय। माही मनीषा ने जो कहा आपने सुना, जी हाँ, माही मनीषा ने सौम्या पोखरण को उनकी औकात दिखा दी है और ये कह दिया है कि मन तो कर रहा है सामने होती तो बता देते तुम्हें कि कौन है पवन सिंह। जी हाँ, यहाँ माही मनीषा ने ये कहा कि भोजपुरी में हम दो लोगों की फिल्में देखते हैं, एक खेसारी और दूसरे पवन। आपको बता दें माही मनीषा ने दो इन बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है, और तो और इनके स्टेज शो में ये दोनों चार चांद लगा देती हैं। माही मनीषा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, माही मनीषा के लिए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों के स्टेज के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, दोनों बेहतरीन डांसर हैं, ये सभी जानते हैं कि ये दोनों फैन फॉलोइंग भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी तगड़ी है, लेकिन ये दोनों पवन और खेसारी दोनों की फ़ैन हैं, और यहाँ पर उन्होंने सौम्या पोखरण को मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत कुछ सुना रखा है सौम्या पोखरण को, और ये कहा है कि तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं है कि कौन है पवन सिंह, पवन सिंह के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने इस लाइव में कही हैं, लाइव भी अचानक ही आई हैं माही मनीषा, और यहाँ पर इन दोनों ने बहुत कुछ सौम्या पोखरण को सुनाया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।